ट्यूटोरियल्स में मैं आज आपको बताने वाली हूँ प्रिंटेड सूट की कटिंग विदाउट कॉलर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बुकरम ले रखा है, तो मैं इसकी कॉलर कैसे कटिंग करनी है वो मैं आपको बताऊँगी। इससे पहले मैं आपको सूट की कटिंग बताने वाली हूँ। ये देखिए, हमने यहाँ पे कपड़ा ले रखा है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर क्या किया, कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है और 3 इंच हमें नीचे की साइड हमें फोल्डिंग के लिए लेना है। हमें लेंथ लेनी है 37 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ रख सकते हैं। और यहाँ पे मैं 7 इंच पे चेस्ट, कमर 14 और हिप 21 इंच पे निशान लगा लेने हैं। निशान लगाने के बाद हमें एक कॉलर वाली बनानी है, तो यहाँ पे हमें 7 इंच पे मार्क करना है। यहाँ पे चेस्ट है, तो यहाँ पे चेस्ट के लिए हम यहाँ पे 8.5 इंच रखेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, अगर उसकी चौथाई कर दीजिएगा। और यहाँ पे भी देख लीजिए, कमर है तो 7 इंच पे, और यहाँ पे हिप्स है तो यहाँ पे हम 9.25 इंच पे मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हम यहाँ पे स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमें 6 इंच पे मार्क करना है। यहाँ पे हमें लाइन स्केल से खींच लेनी है इस तरीके से। देखिए, हमने लाइन खींच लिया है इस तरह के, सब हमें इन लाइनों को मैचिंग कर लेना है। यहाँ पे इस तरीके से हमने यहाँ पे लाइन मैचिंग कर लिया, और हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है, 1 से 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेना है। यहाँ पे हमें गोल शेप में मुड्डा बनानी है, आर्म होल। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, हमने बिल्कुल परफेक्ट निशान लगा लिया है। अब हम इसे कटिंग करेंगे, तो मैं आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग निशान लगाइएगा और उसकी चौथाई करके अपनी फिटिंग के हिसाब से आप अपनी सूट की कटिंग अच्छे से कर लेंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बिल्कुल फिटिंग के हिसाब से मैंने सूट की कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, बैक साइड का भी कटिंग करना। तो हमने फ्रंट की कटिंग कर ली है, तो हमें दूसरा पार्ट्स भी। यहाँ पे मैं एक बात और बता दूँ आपको, यहाँ पे जो प्रिंटेड है फ्लावर, आप उसके अकॉर्डिंग ही देख करके कटिंग कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने फ्लावर को देख के अच्छे से कटिंग किया है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर हमने दूसरे पार्ट्स को भी इसी के ऊपर रख के कट कर लिया है। और यहाँ पर हम लगाएंगे छोटे छोटे कट्स चेस्ट, कमर और हिप के पास। अब मैं यहाँ पे आपको एक पार्ट्स कपड़े को हटा के दूसरा पार्ट्स फ्रंट का, ये हमने फ्रंट का निकाल, बैक का निकाल दिया, और ये फ्रंट का कपड़ा है। तो मैं आपको इसमें गले की कटिंग करना बता देती हूँ। हमें कॉलर वाली गला बनानी है, तो यहाँ पे 2.5 इंच पे लेनी है, यहाँ पे हमें 2.5 इंच पे इधर भी लेनी है। तो और इसे हमें क्या करना है, गोल शेप दे देना है। इस तरीके से हमने यहाँ पे गोल शेप कर लिया और इसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने गले की कटिंग कर ली है। अब हमें यहाँ पे बीच सेंटर में पट्टी लगानी है, तो उसे हमें कट कर लेंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे बटन्स, तो वो मैं आपको बताऊंगी बटन्स किस तरीके से लगाने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको पट्टी कट करके बताएंगे तरीके से। यहाँ पे हमें क्या करना है, 7 इंच पे पट्टी का निशान लगाना है, यहाँ से हम यहाँ तक ही कट कर लेंगे इस तरीके से। तो आप ये देख लीजिए, हमने यहाँ पे कट कर लिया है, ये हमारा सूट हो चुका है कटिंग। अब मैं आपको स्लीव्स की कटिंग बताऊंगी। तो स्लीव्स में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें स्लीव्स में जॉइंट लगानी है, तो मैं जॉइंट वाली स्लीव्स कैसे कट करना है वो मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताऊंगी। यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले लेंथ लेकर के, जितनी आपको लेंथ रखनी है उसी के अकॉर्डिंग लेकर के हमें यहाँ पे सूट की, यहाँ पे स्लीव्स की हमें कटिंग कर लेनी है। तो हमें दोनों स्लीव्स को बराबर लेंथ लेके और बराबर रख के इस तरीके से कट कर लेना है। तो देख लीजिए, यहाँ पे कपड़ा कम है आर्म होल बनाने के लिए, तो वो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से जॉइंट लगाने। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो कपड़ा बचा हुआ है उसमें से हम आपको जॉइंट करना बताएंगे। तो हमने एक पार्ट्स को इस तरीके, फ्लावर देख लीजिएगा आप पहले, फ्लावर की शेप किस साइड है उसी अकॉर्डिंग आप रखिएगा। इसी इस तरीके से रख करके आपको जितना लेंथ
चौड़ाई चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्लीव्स की कटिंग कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 इंच पे चौड़ाई ली है और 1 इंच एक्स्ट्रा, और यहाँ पे आर्म होल 8 इंच पे, तो हम इसे शेप में देंगे और इसे हम स्केल से निशान लगा लेंगे। निशान पर हमने एक्स्ट्रा निशान भी लगा लेंगे। एक्स्ट्रा निशान लगाने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। आर्म होल नॉर्मल सी 8 इंच ही होता है, और जो थोड़े फैट लोग होते हैं उनके लिए 8 से 9 इंच हम आर्म होल रख सकते हैं। यहाँ पे हमने आर्म, देखिए स्लीव्स की हमने कटिंग कर ली है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से इसे कटिंग कर लिया था, आप जॉइंट भी अच्छे से कर लेंगे। इसी तरीके से हमें दूसरे को भी इसके ऊपर इसे रख करके यहाँ पे बराबर करके इसे रख लेंगे और इसे अच्छे से कट कर लेंगे। तो सेम उसी स्लीव्स को हमें इसके ऊपर रख के बाजू को कट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने इस बाजू को भी कट कर लिया है, हमारा यहाँ पे दोनों बाजू कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी कॉलर। तो यहाँ पे मैंने बुकरम ले रखा है, तो मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि यहाँ पे बुकरम आप कॉलर वाली बुकरम यूज़ कीजिएगा। ये तो मैंने नॉर्मली बुकरम ले रखा है और इसकी लेंथ है 7 इंच, चौड़ाई 1.5 इंच पे, यहाँ पे 1.5 इंच के लिए रखा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, गोल शेप दे देना है इसे, हमें यहाँ पे किनारे पे गोल शेप देना है इस तरीके से। ये हमने, ये देख लीजिए हमने गोल शेप दे दिया। हमें यहाँ पे क्या करना है, कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पे कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद फिर से बराबर से साइड से कट कर लेंगे। 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे जो हमें सिलाई पे रखना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने क्या किया है, कॉलर की कटिंग कर ली। यहाँ पे हमने सारे पार्ट्स को कट कर लिया है। अब मैं आपको स्टिचिंग में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कॉलर को जॉइंट करना, स्लीव्स की जॉइंट करना।